मर्द एक वो एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी क्वालिटी है एक पर्सन की, एक इंसान की, एक आदमी की, जिसके थ्रू वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकता है, सोसाइटी को रिस्पेक्ट कर सकता है. मर्द का मतलब ये नहीं होता है कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप में बहुत ज़्यादा ताकत है, आप दूसरों को फोर्सफुली नीचे गिरा सकते हो या किसी के ऊपर अपना कब्ज़ा कर सकते हो. वो चीज़ मर्दानगी नहीं होती है. द मेन थिंग इज़ दिस कि आप एज अ पर्सन कैसे हो और आप मतलब कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट कर सकते हो, कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे जितनी भी चीज़ें जो गलत हो रहा है उन अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ़ लड़ सकते हो, वही असल मर्दानगी है. परिभाषा यही है भैया कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और वुमेन की रिस्पेक्ट करे और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे. और ऐसा कुछ मर्द ये नहीं होता है कि कोई मैनली हो कि हाँ लड़ाई करना है आपको, अपना दमखम दिखाने के जाएगी. आपको एक दूसरे को समझना चाहिए और वुमेन्स की रिस्पेक्ट करें बेसिकली. माय नेम इज़ आलोक शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम NCC यूपी NCC. और मेरी नज़र में मर्द वो है जो रेप और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होता है. एंड अ रियल मैन इज द मैन हु स्टैंड्स अप फॉर द रियल कॉज एंड नॉट फॉर एनीथिंग फूलिश और फेक. दैट्स इट. थैंक यू. जो औरतों को इज्जत दे, उनकी रिस्पेक्ट करे, बूढ़ों को सम्मान दे, बच्चों को भी रिस्पेक्ट दे, इन्हें हम मर्द कहते हैं. मर्द का मतलब ये नहीं कि किसी पे हाथ उठाना ये मर्दानगी हुई. जो इंसान अपने चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिलेशन की बात हो, हस्बैंड वाइफ की बात हो, मेन चीज़ मेन नज़र में है कि वो लड़की चाहे छोटी हो, बहन हो, कोई भी रिलेशन हो, उससे दोस्त का वाइफ का, हम सबसे पहले चीज़ उसे उसकी इज्जत करना सीखें. उसको पता होना चाहिए कि औरत उनकी लाइफ में क्या रोल करती है, तो उस हिसाब से उनको इज्जत भी देनी चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस भी समझनी चाहिए और उनको सपोर्ट भी करना चाहिए हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, बैठने के लिए नहीं. सर मर्द मेरी नज़र में देखा जाए तो सर ये मर्द सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है और हर जो इंसान होता है वो कहता है मैं मर्द हूँ. बट सर मर्द का सर ये मतलब नहीं है. सर मर्द वो होता है जो सर अगर किसी लड़की को देखता है परेशानी में तो जाके उसकी हेल्प करे. अगर सर कहीं देख रहा है कि अगर किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है या फिर कोई लड़का किसी को छेड़ रहा है फिर रेप करने की कोशिश कर रहा है तो सर वहाँ पर जाके स्टैंड ले और अपने आप को प्रूव करे कि हाँ मैं मर्द हूँ. और सिर्फ बहन का राखी बांधने से वो मतलब नहीं होता कि वो मर्द हो गया. एक्चुअली लोग कुछ भावात्मक रूप से देख के एक दूसरे को कहते हैं ये मर्द है, ये तगड़ा है. एक्चुअली मेरे नज़र में मर्द तो वो है जो वास्तव में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके. कर्म करना उसके अंदर प्रधानता हो तो जो कर्म प्रधान की तरफ अग्रसर है मैं उसे पक्का मर्द मानता हूँ. मर्द आदमी ऐसा होना चाहिए जो महिलाओं को और मतलब इज्जत दे, उसकी रिस्पेक्ट करे और उनकी भावनाओं को समझे. ऐसा नहीं आजकल इतने हादसे हो रहे हैं हर जगह, इतने अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं, तो उन सब को अगर समझे और उन सबकी परेशानियों को साथ दे तो इसी को हम समझते हैं कि वो लेडीज़ का रिस्पेक्ट करे, ये सबसे बड़ी बात है.